नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में मंगलवार सुबह हुड्डा बाईपास पर एक सड़क दुर्घटना में माता पिता के इकलौते बेटे 19 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, कर्नल राम सिंह चौक के पास छात्र की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पेड़ में जा घुसी। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चांदपुर ढाणी निवासी करीब 19 वर्षीय अक्षित गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं घायल को शहर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और बता दें कि दीपावली के अगले दिन ही इतने बड़े हादसे के चलते पूरे चांदपुर की ढाणी में मातम छाया हुआ है। शहर की मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर की ढाणी निवासी करीब 19 वर्षीय अक्षित दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। दीपावली होने के चलते 4 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ था। मंगलवार सुबह स्टेडियम की तरफ से पायलट चौक की तरफ जा रहा था और इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती हुई पेड़ में जा घुसी और इस हादसे में 19 वर्षीय अक्षित की मौत के चलते माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं चांदपुर के ढाणी में भी मातम छाया हुआ है।